को तो यूँ जो एक आईएएस का जो पद होता है वो हिंदुस्तान के सबसे बड़े एग्ज़ाम का एक अहम हिस्सा है और इसको पूरे देश में सबसे बड़ा पद माना जाता है, जिसके लिए परीक्षार्थी को तैयारी करके बहुत मेहनत करनी पड़ती है। यूँ कहें कि देश का सबसे बड़ा एग्ज़ाम आईएएस होता है। बात हम ये करेंगे कि यदि एक रसूखदार आईएएस के साथ अन्याय होता है, उसके साथ कोई ऐसी बात होती है, घटना घटती है जो जंगल राज में होती है, तो आप क्या करेंगे? आज हम आपको ऐसी घटना के बारे में जानकारी दे रहे हैं जिससे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपका दिल दहल जाएगा और आपके अंदर से एक चीत्कार भाव उत्पन्न होगा। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ सुंदर सिंह, आप देख रहे हैं इंडिया रिपोर्टर 24। आज का हमारा पहला एपिसोड है जो हम आपको एक क्राइम स्टोरी के बारे में बता रहे हैं कि कैसे एक आईएएस ऑफिसर की बीवी के साथ बलात्कार हुआ और बलात्कार होने के बाद लगातार 2 साल तक बलात्कार होता रहा, लेकिन जंगल राज में उसने किसी की नहीं सुनी, किसी ने भी उसकी नहीं सुनी। इस तरह की घटना आपके दिलो दिमाग को झकझोर के रख देती है। हम बात कर रहे हैं बिहार पटना के एक दबंग विधायक की, मृत्युंजय नाम है जिसका, 1995 की बात है। लालू प्रसाद यादव और वो उनका जो उस समय का सिस्टम तंत्र प्रदेश में भारतीय जो राजनीति है उसका जो अहम हिस्सा है, राजद राष्ट्रीय जनता दल, उनका नेतृत्व था, शासन था उस समय। मृत्युंजय यादव और उनकी माँ हेमलता यादव आरजेडी की अध्यक्ष थी, उस समय मृत्युंजय यादव विधायक थे। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बीबी विश्वास जो कि उस समय तत्कालीन सामाजिक कल्याण विभाग के मैनेजिंग डायरेक्टर थे और एक आईएएस सीनियर आईएएस थे। उनका बंगला ठीक एमएलए जो राजद के एमएलए हैं मृत्युंजय यादव उनके बगल से था और उनकी जो पत्नी चंपा विश्वास जिनका हम जिक्र कर रहे हैं उनके साथ बलात्कार हुआ। घटना कैसे हुई मैं आपको बता देता हूँ। दोनों का बंगला आसपास में था, किसी कारणवश विभागीय काम होने के कारण उनकी माँ ने उनको फ़ोन करके बुलवाया चंपा विश्वास को और कहा कि आपको हमसे काम है और हमको आपसे काम है, आप आइए हम आपसे बात करेंगे। उनको बुलवाया और कहा अंदर हमारे बेटे हैं विधायक जो आपसे बात करना चाहेंगे। अंदर जब वो गई तो बाहर से कुंडी लगा दी गई और उनके साथ जोर जबरदस्ती हुई और उसको बलात्कार हुआ। ये घटना को रिवर्स किया गया, लगातार ऐसा होता रहा। ये घटना कई दिनों तक चलती, लगातार 2 साल तक ऐसी घटना घटी। यहाँ तक उनको क्या दंश झेलना पड़ा, उन्होंने अबॉर्शन भी कराया और आगे चल के उन्होंने नसबंदी भी कराई, लेकिन उनके परिवार और उनको जान से मारने की धमकी दी गई क्योंकि हेमलता यादव जो कि मृत्युंजय यादव की माँ थी उन्होंने धमकी दी, यदि ये वाली बात आप किसी शासन को बताते हो तो हम आपके और आपके पति को मरवा देंगे और विभागीय इल्जाम लगा करके आपको बाहर कर देंगे। इस तरह का सिलसिला चलता रहा, लेकिन 2 साल के बाद उन्होंने हिम्मत करके, जिनका नाम चंपा विश्वास था आईएएस की पत्नी, उन्होंने हिम्मत करके तत्कालीन राज्यपाल को पत्र लिखा और अपनी पूरी घटना के बारे में अवगत कराया। जब उन्होंने मामले को संज्ञान में लिया तो उन्होंने तत्कालीन डीजीपी को लिखा और कहा कि इसकी जाँच कराई जाए। जाँच कराने के बाद में ये प्रश्न विधानसभा में भी गया, तत्कालीन जो विधानसभा अध्यक्ष थे इमानतुल्ला अहमद जो थे उन्होंने ये बयान दिया जो कि भारत देश की राजनीति को शर्मसार कर देता है। कहा उन्होंने कि भाई मृत्युंजय यादव और उनकी माता जी को मैं स्वयं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, वो ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन इसके बावजूद भी जब मीडिया ने तूल पकड़ा, जो सारी बातें पूरे शहर में फैल गई, पूरे राज्य में फैल गई, पूरे देश में फैल गई, तो स्वतः ही पुलिस को डीजीपी के संज्ञान के माध्यम से पुलिस ने, जांच एजेंसी ने उसको संज्ञान में लिया और एफआईआर हुई। एफआईआर होने के बाद में मामला चला और मृत्युंजय यादव को हिरासत में लिया गया और 5 साल तक भी जेल में रह गए। साथ में ही सहयोग करने के मामले में उनकी माता जो हेमलता यादव हैं उनको भी अरेस्ट किया गया, लेकिन वो उससे पहले वो 2 महीने तक फरार रहीं। बाद में मामला 5 साल के बाद में उनमें कोर्ट में अपील की, हाईकोर्ट में, हाईकोर्ट ने अपील करने के बाद उनको बेल मिली। बेल मिलने के बाद में उन्होंने ऊपर जो ट्रायल कोर्ट होता है उसके अलावा उन्होंने हाई कोर्ट में उसको ट्रायल किया और हाई कोर्ट जो ट्रायल कोर्ट का संज्ञान लेते हुए उन्होंने उसको सजा को बरी कर दिया। बरी यूं कर दिया, उन्होंने कहा कि 2 साल तक क्यों हेमलता यादव ने साक्ष्य को छुपाया और 2 साल तक वो क्यों सामने नहीं आए, इसका तात्पर्य ये होता है
कि सामने वाले को बदनाम करना, राजनीतिक किसी पद का जो व्यक्ति है उस पर इल्जाम लगाने का काम उन्होंने किया है, इसलिए साक्ष्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, इसलिए उनको बरी किया जाता है। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब एक IAS जैसे सीनियर ओहदे के ऑफिसर की बीवी के साथ में, और हाँ मैं आपको बताना भूल गया कि ये जो चंपा विश्वास थी इनका ही बलात्कार नहीं हुआ, इनकी माँ का भी बलात्कार हुआ, इनकी माँ के अलावा इनकी जो भतीजी थी कल्याणी उनका भी बलात्कार हुआ, और इनके अलावा उनकी दो मेड थी उनका भी बलात्कार हुआ। आप सोच सकते हैं कि जंगल राज में कैसे एक सीनियर IAS ऑफिसर की बीवी का बलात्कार हुआ, उनकी माँ की माँ का बलात्कार हुआ, उनकी भतीजी का बलात्कार हुआ, उनकी मेड का भी हुआ। अंततः जब ये जो केस है वो लगभग समाप्ति की ओर हो गया, बीबी जो बीबी विश्वास जो उनके पति थे IAS उन्होंने ट्रांसफ़र ले लिया, जब झारखंड का और बिहार का बंटवारा हो गया तो उन्होंने ट्रांसफ़र ले लिया, बाद में उनकी मृत्यु हो गई और चंपा यादव इसके बाद चंपा विश्वास इसके बाद वो दिल्ली चली गई और दिल्ली जाने के बाद वो कलकत्ता चली गई। आज भी उनका दिल और उनकी आत्मा उनको कसौटती होगी कि उनकी आबरू और अस्मत कैसे लुट गई। इस तरह के मामले भी हो सकते हैं, ये लोगों को जहन में एक सवाल उठता है, लेकिन हम सोचते हैं कि इस तरह के मामले हो ही नहीं सकते, ऐसा साकार भी हुआ है। ये बात 1985 की है जब लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी पटना में और बिहार में राज्य करते थे, राजद का ये बोलबाला था। लगातार आप इस तरह की खबरें मैं आपको देता रहूँगा, ये पहला एपिसोड हमारा, हम आपको डेली अपडेट करते रहेंगे इस तरह की कहानियों के बारे में, जो कि क्राइम की किस हद तक हमारी जो न्यायालयीन प्रक्रिया है किस हद तक उनका जो मिस यूज हुआ है, और कैसी न्यायालयीन प्रक्रियाओं का जो माध्यम कोर्ट और हाई कोर्ट का जो माध्यम रहा है वो लोगों को न्याय नहीं दिला पाया है, इस तरह की खबरें हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। अपडेट रही हमारे साथ, ज़्यादा जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।